વાપીમાં ઉત્તર ભારતીય સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા આગામી 12 એપ્રિલના રોજ વાપી વીઆઈએ ખાતે સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમ તથા ઉત્તર ભારતીય સમાજનું ગૌરવ એવા ગુજરાત રાજ્ય વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીનો સન્માન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ઉત્તર ભારતીય સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ પપ્પુભાઈ તિવારી સહિતના હોદ્દેદારોએ પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે સમાજના સ્નેહ મિલન કાર્યક્રમની સાથે સાથે ઉત્તર ભારતીય સમાજનું ગૌરવ એવા વિધાનસભાના અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી સહિતના સમાજના શ્રેષ્ઠીઓનું પણ સન્માન કરવામાં આવશે. अभी जो आपका होली मिलन और सम्मान समारोह में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें किस किस का प्रोग्राम रखा गया है और सम्मान किस हेतु से आपने किया? उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट के द्वारा हमारा होली मिलन समारोह विगत वर्षों की भांति हम लोग कई बार रख चुके हैं. ये होली मिलन समारोह का प्रोग्राम रखा जा रहा है और इसमें माननीय राजेंद्र त्रिवेदी जी जो बड़ौदा से विधायक हैं उनको विधानसभा गुजरात विधानसभा का स्पीकर बनाया गया है. इसको लेके हमारे उत्तर भारतीय समाज में बड़ी खुशी है. तो उनका सम्मान समारोह रखा जा रहा है और यहाँ पर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं वलसाड डिस्ट्रिक्ट से, दमन से, डॉक्टर के सी पटेल साहब सांसद, डॉक्टर और लालू भाई पटेल सांसद दमन, कन्नू भाई देसाई यहाँ के विधायक और पार्टी विधायक, उमरगांव विधायक रमन भाई पाटकर और साथ में उनको मिनिस्टर बनाया गया है, कपराड़ा विधायक जीतू भाई चौधरी, धर्मपुर विधायक अरविंद भाई पटेल और वलसाड विधायक भरत भाई पटेल, इन लोगों का हमारे जनप्रतिनिधि हैं लोगों का भी सम्मान समारोह रखा जा रहा है. होली मिलन समारोह या हमारे उत्तर भारतीय मिलन समारोह रखने का एक उद्देश्य और रहता है कि हम लोग एक टीम के साथ जुड़ के कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटी करते रहते हैं. ब्लड डोनेशन कैंप है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप है, ये सब चीज़ें हम लोग हमारी पूरी टीम और हमारे उत्तर भारतीय समाज की ओर से उत्तर भारतीय ट्रस्ट से ये प्रोग्राम हर साल हम लोग करते रहते हैं. सामाजिक प्रोग्राम जो है उसी को लेके एक होली मिलन समारोह हमारे उत्तर भारतीय समाज का गेट टुगेदर हो जाए और सब लोग आपस में मिल सकें. जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो आपस में चर्चाएँ होती हैं, चर्चाएँ होती हैं तो ये भी चर्चाएँ होती हैं कि भाई हम लोग यहाँ पर आए हैं अपना बिजनेस व्यापार करते हुए हम लोग एक टीम बना के अगर हम कुछ भी सोशल एक्टिविटी में समाज के काम में अगर सहभागी बन सकें तो उसका हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे. तो इस तरीके की जो सामाजिक एक्टिविटी रखी जाती है तो हमारे समाज के जितने भी लोग हैं उनमें आपस में एक ऊर्जा का संचार होता है और ऐसा प्रयास करने में सभी लोग लग जाते हैं कि हम सामाजिक काम में कोई भी सामाजिक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें. उसी हेतु ये गेट टुगेदर का प्रोग्राम रखा जाता है और हमारे जो जनप्रतिनिधि रहते हैं वो चुने हुए आते हैं, उनका सम्मान समारोह स्वागत समारोह इसलिए रखते हैं, उनको भी इस चीज़ का एहसास दिलाते रहते हैं कि भाई हमारा कुछ भी अगर ज़रूरतें हैं आप हमारे साथ रहिए, हम आपके साथ रहें और हमारे जनप्रतिनिधि हैं तो उनका सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व और कर्तव्य बनता है. हमारे उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट को 14 साल हो गए. जब उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट की रचना हुई थी तो इसमें उत्तर भारतीय समाज की सांस्कृतिक कार्यक्रम, गरीब लोगों को सहायता, मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप, ऐसे ऐसे विविध कार्यक्रमों निर्धारित हुए थे. 14 साल में उत्तर भारतीय सेवा ट्रस्ट ने गुजरात राज्य का जो गुजरात राज्य के गवर्नर द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है वो भी प्राप्त किया है. उसके बाद हमारे कार्यकर्ताओं विविध क्षेत्र में जैसे पुस्तक पहुंचाना, गरीबों को फीस देना, हम हैं पप्पू भाई हैं, मुन्ना तिवारी हैं, राकेश तिवारी हैं, बार बार मेडिकल सहायता भी हम लोग प्रदान करते हैं. 14 साल की ये अविरत गाथा आप लोगों के सहायता से एकदम चलती रही है, आगे भी चलती ही रहेगी. आगे हम लोगों ने निर्धारित किया है कि अब अधिक से अधिक सामाजिक रचना का, सामाजिक संरचना का हम लोग कार्य करेंगे एवं अधिक से अधिक हमारा उत्तर भारतीय समाज विविध क्षेत्र को और विविध समाजों को उपयोगी होगा, ऐसा हम लोग कार्य करेंगे. ऐसा ही हम सोचे हैं और ऐसा ही कार्यक्रम में हम उत्तर भारतीय स्वतंत्रता निर्धारित करेंगे.